नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ब्रो चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, एक जो एक हार्ड डिस्क आई है अपने पास, जो कि आप देख रहे हैं 500 GB की है, WD हार्ड डिस्क है। तो ये क्या एक्चुअल में इसका डिटेक्शन नहीं आ रहा है। चलिए अपन चेक करते हैं पहले कि क्या प्रॉब्लम कर रही है ये। तो ये जो मैंने आपको बताया था, इस तरह का जो आपका साटा पाटा का जो कनेक्टर आता है, इससे आप यूज़ कर सकते हैं, जो मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा। तो पहले अपन इसको चेक करते हैं, साटा कनेक्टर लगा दिया है। इसके बाद आप जो है डेटा का इसका जो कनेक्टर है, इसको आप लगा दीजिए। लगाने के बाद इसको आपको ऑन कर देना है। दोस्तों, अपने कनेक्टर लगा दिया है, ये देखिए आप ऑन हो गया है। और इसको अपन कंप्यूटर पे देखते हैं, USB से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। और आप देख रहे हैं कि ये देखिए, इसका USB पर डिटेक्शन नहीं है, मतलब ये हार्ड डिस्क जो है आपके कंप्यूटर पे शो नहीं हो रही है। दोस्तों आपने पिछली वीडियो मेरा देखा होगा कि उसमें वीडियो में जो आपने मैंने जो हार्ड डिस्क आपको बताई थी, वो डिटेक्ट हो रही थी, मतलब और इसमें साउंड भी आ रहा था, है ना, और डिटेक्शन छोड़ रही थी वो, जिसमें कि मैंने उस कार्ड को अपन क्लीन करके और उस हार्ड डिस्क को अपन ने प्रॉपर वे में आ गई थी और वो वर्क करने लगी थी। और इसमें दोस्तों क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ कहीं डिडक्शन नहीं आ रहा है ना, मतलब ये इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। तो इसको अपन कैसे सही करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपका इसमें डेटा है और उसको अपन को निकालना है, तो उस बेस में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आप इसके जो पॉइंट्स पावर है इसको आप निकाल दें, ठीक है, इसको निकाल दीजिए। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे ये जो आप देख रहे हैं एक हार्ड डिस्क, और सेम हार्ड डिस्क आपको जैसे अभी देख रहे हैं ये WD ये भी है 500 GB की, आपको सेम हार्ड डिस्क चाहिए, सेम कंपनी की, और सेम उसका जो है कैपेसिटी होना चाहिए, मतलब और सेम उसका फॉर्मवेयर होगा। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर मतलब ये जब अगर आपकी सेम कैपेसिटी की नहीं है, सेम कंपनी नहीं है, तो ये इसका फॉर्मवेयर मैच नहीं करेगा कार्ड का, और ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगी दोस्तों, आपकी डिटेक्शन ही नहीं करेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए आपका डेटा है और कार्ड आपका ख़राब हो गया है, कोई डिटेक्शन नहीं दे रही है, तो आपको एक सेम हार्ड डिस्क लेना पड़ेगी दूसरी, और उसका जो कार्ड है, जो आपकी जो ख़राब वाली कार्ड है, उसको निकाल कर अच्छी वाली कार्ड उस पर आपको चढ़ाना होगा। चलिए पहले तो अपन ये जो हार्ड डिस्क है इसके कार्ड को रिमूव कर लेते हैं पहले। इसके कार्ड को आपको रिमूव कर लेना है, और ऐसे ही दोस्तों आपको इस सेकंड वाली हार्ड डिस्क है, जो अच्छी वाली हार्ड डिस्क है, उसके कार्ड को भी आपको रिमूव कर लेना है, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको जो है रिमूव कर लिया है कार्ड को, ये आप देख रहे हैं कार्ड आ गया है आपका। तो दोस्तों इसको मैंने साफ करके भी देख लिया है, लगा के पहले चेक कर लिया है पूरा, इसको आप चाहे तो साफ भी कर सकते हैं, मैं इसको कर चुका हूँ, और ये इसका डिटेक्शन नहीं आ रहा है दोस्तों। तो इसके बाद अपन जो अपनी सेकंड वाली हार्ड डिस्क है, जो अच्छी वाली है, इसके कार्ड को भी रिमूव कर लेते हैं। तो दोस्तों जो अपनी सेकंड वाली हार्ड डिस्क है, इसको भी मैंने इसके पेच रिमूव कर दिए, और इसके बाद आपको क्या करना है, इस कार्ड को निकाल लेना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो अपने जो अच्छा वाला कार्ड है, इसको साफ़ कर लेना है, मैंने अच्छी तरह इसको साफ़ कर दिया है, और इसमें आपको किसी भी थिनर का यूज़ नहीं करना है ना। आप चाहें तो इसको जो है रबड़ से साफ़ कर सकते हैं, इसके पॉइंट्स को, जो पॉइंट्स दिए गए हैं इनको आप साफ़ कर सकते हैं, इनको रगड़ना नहीं है, क्योंकि इसको बारीक बारीक कंपोनेंट्स लगे होते हैं, इसको साफ़ कर सकते हैं। इसमें भी आप जो इसका पॉइंट है, ये यहाँ आपका जो मोटर को चलाता है ये पॉइंट है, और इधर जो आपके नीचे हेड पोर्सन को चलाता है, ये पॉइंट आपके हेड पोर्सन के हैं, और इसको आपको जो है अच्छी तरह साफ़ करके, और इसमें कोई भी थिनर का यूज़ आपको नहीं करना है दोस्तों। तो ये जो कार्ड है आपका अच्छा वाला है,
और इस कार्ड को आपको इस पर चढ़ा देना है दोस्तों बड़े आराम से। तो इससे क्या होगा दोस्तों, बस इसमें आपने याद रखना है कि आपकी जो हार्ड डिस्क है वो सेम कंपनी की, सेम कैपेसिटी की और सेम फर्मवेयर की होना चाहिए, तभी ये आपका काम करेगा। ठीक है, इसके बाद आपको इसको कस देना है। और दोस्तों अगर मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी वो आपने देखी थी कि उसमें हमने कार्ड डिटेक्शन हो रहा था और उसका हेड मूवमेंट की सारी आवाज़ें आ रही थी, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल ये डेड है स्टैंड का। तो अपन ये काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से ही आपका अगर मतलब ये वोल्टेज नहीं बन रहे हैं, यहाँ से करंट पास नहीं हो रहा है, तो आपकी कार्ड हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं करेगी। तो इसमें पूरी परसेंट जो आपकी संभावना है कि आपका जो डेटा है पूरा रिकवर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद आपको जो है इस कार्ड को लगा देना है पूरे को। देखिए बड़े आराम से इसको लगा देना है, ज़्यादा टाइट भी नहीं लगना है और लूज पन नहीं करना चाहिए। तो इस तरह दोस्तों ये अपने लगा दिया है। चलिए अब इसको अपन चेक करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैंने आपको बताया है कि जो आपकी हार्ड डिस्क है वो सेम कैपेसिटी की आपकी हार्ड डिस्क होना चाहिए आपकी, है ना, तभी ये आप ये वाला वर्क आपका करेगा, है ना। सेम कंपनी, सेम कैपेसिटी और सेम फर्मवेयर, तो आपकी ये हार्ड डिस्क 100% वर्क करेगी। चलिए इसको अपन चेक कर लेते हैं। तो ये आपको इसके कनेक्टर को लगा देना है, डेटा कनेक्टर को। इसके बाद आपकी जो केबल का है साटा कनेक्टर वो लगा दें। कनेक्टर में आपको लगा देना है। इसको लगाने के बाद इसको दोस्तों अपन को फिर से USB से कनेक्ट करना है। इसको USB से कनेक्ट कर देते हैं और इधर आप देख रहे हैं इसको आपको पावर ऑन कर देना है। तो आप ये देख रहे हैं ये अपनी ऑन हो गया है। हार्ड डिस्क का डाटा देखिए इसमें दिखा दिया इसने, ये आप देख रहे होंगे ये हार्ड डिस्क आ गई आपकी, ये नीचे स्पेस, तो जो इस हार्ड डिस्क में था मीटर इसने दिखा दिया। अभी मेरी जो हार्ड डिस्क थी इसमें ये 5 पार्टीशन थे, 5-6, उसके बाद जो नीचे एक्स्ट्रा देख रहे हैं आप इसी हार्ड डिस्क का पार्टीशन है, ये देखिए इसमें ये विंडो लोड थी वो इसने सारा दिखा दिया। तो दोस्तों आपने देखा कि आज की जो वीडियो में मैंने आपको जो हार्ड डिस्क थी अपनी 500 GB की, जो कि डिटेक्शन नहीं था इसके अंदर बिल्कुल कोई हमिंग आवाज़ नहीं थी, वो मैंने दूसरी हार्ड डिस्क जो अपनी अच्छी हार्ड डिस्क है सेम वर्जन की, सेम कैपेसिटी की, इसका कार्ड अपन ने इस पर चढ़ाया है और अपन इस तरह से भी अपना डेटा को पूरा निकाल सकते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं ये सारे आपका डेटा आ गया है। देखिए पुरानी वाली हार्ड डिस्क जो अपन ने सही की है उसमें विंडो लोड थी, ये सब शो कर रहा है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आता रहे, क्योंकि मैं भविष्य में इसी तरह की वीडियोस बना के डालता रहता हूं, तो जिसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आप किसी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं तो उस पर मेंशन करें, तो मैं आपको ज़रूर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र, जय भारत।